पानीपत की संजय कॉलोनी में नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 2 महीने पहले हुई थी प्रोमिला की शादी संजय कॉलोनी निवासी अनिल के साथ। मृतिका प्रोमिला के परिजनों का ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप है कि वे उसे दहेज के लिए परेशान करते थे, जिससे तंग आकर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल भिजवाया। प्रोमिला की मां की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सितंबर 2019 और अनिल के साथ जी, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद ये शादी के तुरंत बाद ही हफ्ता दिन बाद में इसको तंग करने लगे, मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने डिमांड की दहेज की, 5 लाख रुपए दो, हमने मकान करा। लेकिन माँ ने भी बोला कि भाई हमारा ही गुजारा नहीं हो रहा, और ये बेटी घर पहुँच गई। लेकिन पति के साथ हमने इसको समझाया, आपने हमारे को अपनी आपसी बताई, मेरे को पड़ता चल रहे हैं उसका, हमने मारपीट के निशान भी देखे मारपीट के। फिर अब एक दिन इसकी मम्मी यहाँ भी आई थी, इसकी बेटी के ससुराल, उनको वहाँ भी समझाया, उन्होंने मान लिया कि भाई आगे हम कभी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप भी क्षमा करो। अब कल ही की तारीख 22 तारीख को हमें मालूम पड़ा 3:30 बजे फोन आया इसके जेठ का कि भाई आपकी लड़की ने फांसी खा ली, उसको संभाल लिया। ठीक है, ये बात कल हमें टाइम लगा नहीं, शाम को इकट्ठे होना था और हम कल नहीं आ सके, हम सुबह सुबह यहाँ पर। ये भी सुनने में कि जब भी इसको घर पे रोक के ताला लगा के चले जाए। हाँ जी, इसको पड़ताल किया जाता था, नहीं तो उसको फोन पर बात करने देते थे और नहीं घर से निकलने देते थे, घर जाते बाहर जाते तो ताला लगा देते। तो लड़की ने मतलब परेशान होके किया? हाँ जी, परेशान होके किया। ये भी जरूर नहीं है जी कि उसने फांसी खुद खाई है, हम तो ये कह रहे हैं मारी भी हो सकती है। जमीन क्यों इनको 10-11 बजे मरी है, ये हमारे को 3:30 बजे फ़ोन किया है। किस किस पे शक आपको है जी? शक किस पे है इसके ससुराल? इसके पति पे, इसके जेठ पे और इसकी सास पे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कल दिनांक 22/11 को संजय कॉलोनी पानीपत से सूचना मिली थी कि एक लेडीज ने फांसी लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो हम मुख्यालय पहुँचे तो उसकी वारसान हाजिर नहीं थे, डेड बॉडी को डेड हाउस में रखवा दिया था जी एस पानीपत में। आज उसके परिजन उसकी माता यहाँ पे हाजिर आए, तो उन्होंने दरख्वास्त दी है भाई दहेज के लिए तंग करते थे, उससे तंग आके उसने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त करी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, बाद पोस्टमार्टम जैसे शुरू होगी कार्रवाई नियमानुसार अमल में। किसी से खिलाफ हुआ सर मामला दर्ज? ये उसके पति अनिल और जेठ सुनील और उसकी सास। ठीक है सर। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।